नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। कुछ देर पहले यहाँ पे जो विधायक लोग थे उनके साथ सीएलपी लीडर आलमगीर आलम और अध्यक्ष रामेश्वर राव यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ बैठक हुई। कई सारे विधायकों का कहना है कि वो कुछ कार्य अपने क्षेत्र के कार्य से इनसे मिलने आए थे। तो वहीं अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में देखने सुनने को मिल रहा था कि जो तीन विधायक हैं हमारे कांग्रेस के, वो उनका नाम आ रहा था और वो लोग भी यहाँ पर, दो विधायक यहाँ पर मौजूद थे, जब वो इरफान अंसारी हैं और अकेला यादव, ये लोग दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उन दोनों ने ही मीडिया से बात करने से इनकार किया, वो लोग यहाँ से तमतमाते हुए निकल गए। लेकिन सीएलपी लीडर आलमगीर आलम का क्या, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्लीन चिट दिया है कि उनकी कोई गलती नहीं है। हम लोग एक बार उनसे जानते कि आखिर क्यों इस तरीके के दो अलग अलग चीज़ों को हम लोगों ने देखा। सर, इरफान अंसारी और अकेला यादव जी दोनों ही यहाँ से मीडिया से बिना बात किए हुए तमतमाते हुए निकल गए और आपने उन दोनों को ही क्लीन चिट दी है कि उनकी कोई गलती नहीं है कहीं पर भी, मात्र इत्तफाक है। देखिए, यहाँ इरफान अंसारी, अकेला यादव नहीं, ढेर सारी विधायक यहाँ मिले थे, कल भी मिल रहे थे और सब कोई मिला है। बहुत दिन के बाद हम चले गए थे, हमारे जो बकरीद था उसमें घर चले गए थे, एक हफ्ता थोड़ा बहुत मिल नहीं पाए थे। लेकिन हम बार बार मीडिया के, आप लोगों के सामने भी बोल रहे थे कि सभी विधायक से हमको एक दो दिन बाद कांटेक्ट हो ही रहा है। जब परसों आ रहे थे तो वही लोग पूछा, तो हम बोले कल परसों तो आओ, कभी भेंट कर लो, सब कोई भेंट करने के लिए आए। जिस बात के आप लोग इरफान अंसारी और अकेला यादव के बात उठा रहे हैं, मैंने पहले ही मैंने कहा जो ये इत्तेफाक या संयोग है और पार्टी इसका समीक्षा कर रही है, बस। तो आपने सुना कि इन्होंने सीधा क्लीन चिट दिया है, रामेश्वर राव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो हम लोग एक बार इनसे भी बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि हम सभी विधायकों के साथ हैं। तो सर, इस तरीके का दो दृश्य हम लोगों को देखने को मिला कुछ देर पहले, इरफान अंसारी और अकेला यादव जी मीडिया से बिना बात किए हुए तमतमाते हुए यहाँ से निकल गए और लेकिन आप लोगों का एक क्लीन चिट उन्हें मिला है। देखिए, तमतमा के क्यों गए, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो पुल पुलिया के लिए वो भी आए थे। लेकिन जैसा कि हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब ने कहा, चूँकि अखबार में निकलता रहता है तो ऐसे बातचीत कैजुअली चली, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये इत्तफाक है कि हम लोग गए थे, है ना, दिल्ली गए थे और लोग भी थे उसमें, तो इत्तफाक हो सकता, हम भी तो जाते हैं, अगर मेरे साथ अगर कोई बीजेपी का नेता या दूसरे पार्टी का नेता जाए तो ये थोड़े माने होगा कि हम उनके साथ उनके बुलाए पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ये इत्तफाक था, जैसा कि आलमगीर आलम साहब जो कह रहे हैं उस पर मैं भी पुष्टि करता हूँ, मैं वही चीज़ दोहराऊँगा दोबारा। और अधिकतर MLA यहाँ आए थे पुल पुलिया मांगने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आज इनके यहाँ से एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें दर्शाया गया है कि किस विधायक के कहने से पुल पुलिया सड़क मिली है कि नहीं मिली। मैं भी आया था इनके पास इत्तफाक से कि मेरे लोहरदगा में दिया था एक पुल के लिए, तो हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ आने पर इन्होंने बताया कागज़ देख करके कि हो गया है आपका। तो इस तरह से अपना अपना बात को लेकर भी आए थे, समस्या लेकर भी आए थे, योजना लेकर भी आए थे लोग, तो इस तरह का नहीं है। हमारी पार्टी, जैसा कि विधायक दल के नेता ने कहा, हमारी पार्टी एकजुट है और हम सरकार के साथ, हमारे साथी सभी साथी लोग हैं, एक हैं, अब सरकार को हम चलाएंगे। सरकार में जो कहा जा रहा है बाहर, सरकार को अपदस्थ करने, अस्थिर करने की बात हो रही है, इस तरह की कोई बात हम लोगों को नहीं दिखाई दी। आप लोगों ने सुना कि दोनों ही नेताओं ने, यहाँ पर मंत्रियों ने, दोनों विधायकों को क्लीन चिट दी है और कहा है कि इन दोनों में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।